के इलेक्ट्रिक अपना किबला दुरुस्त कर ले, हमें आईन से हटकर कोई इकदाम करने पर मजबूर न करें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की के इलेक्ट्रिक को वार्निंग, कहा खुदारा कराची वालों पर रहम करें। वजीर तवानाई से कहता हूं कि लोड शेडिंग का खात्मा करें। कराची से फारूक मुराई की रिपोर्ट। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 1294वां उर्स तकरीबात के सिलसिले में मजार पर हाजिरी दी, दुआ की और लंगर भी तकसीम किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, गर्मी में लोड शेडिंग काबिले कबूल नहीं, गर्मी से जो लोग इंतकाल कर गए उनके लवाइकिन से ताजियत का इजहार करता हूँ। उन्होंने के इलेक्ट्रिक को तंबीह भी कर डाली। के इलेक्ट्रिक को भी मैं तंबीह करता हूँ कि वो भी कम अज कम इतना किबला जरूर दुरुस्त कर लें। इस गर्मी के दिनों में वो लोगों पर थोड़ा रहम करें, हमें मजबूर ना करें कि हम भी कोई ऐसा कदम उठाएं जो आईन और कानून के ख़िलाफ़ हो। हम आईन और कानून में रहते हुए उनसे मुदबाना दरख्वास्त कर रहे हैं। गवर्नर सिंध का कहना था कि वज़ीर आज़म ने कराची के लिए फंड देने का कहा है। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा कि K4 मंसूबे को जल्द मुकम्मल कराया जाएगा ताकि पानी का मसला हल हो, और जब तक ये K4 कंप्लीट नहीं होगा तो यही इश्यूज चलते रहेंगे। तो हमने उनसे ये दरख्वास्त की है कि K4 पर फौरन फिल 4 जो उसके बजट में तखमीना रखा गया है उसे देकर इस K4 के मंसूबे को मुकम्मल कराया जाए। और मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह ताला वजीर आज़म पाकिस्तान इस पर खुसूसी तवज्जा देंगे। गवर्नर सिंध ने बोहरा कम्युनिटी के पेशवा के आने के हवाले से खैर सगाली का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उर्स की तकरीबात के 3 दिन लंगर और सबील हमारी तरफ से होगी। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ फारूक मुराई, सच न्यूज।